तो अब हम अपने फोन पर हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले फ्रेंड्स कि कैसे हम अपने मोबाइल का OTG ऑन कर सकते हैं, OTG को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आजकल के नए फोन में जो है, जब तक हम OTG को इनेबल नहीं करेंगे तब तक जो हमारा OTG है वो कनेक्ट नहीं होता है और कोई भी हम पेन ड्राइव को यूज नहीं कर पाते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप OTG को ऑन कर सकते हैं और सभी पेन ड्राइव को आप एक बार में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा आसान तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को फोन के सेटिंग में आ जाना है। फोन के सेटिंग ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर ऊपर में सर्च बॉक्स पे लिखना है OTG, इस तरह से लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट में ही OTG का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से OTG का ऑप्शन आने के बाद इसे इनेबल कर सकते हैं। अगर ये इस तरह से ऑप्शन नहीं आता है तो फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्लूटूथ एंड डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से OTG का ऑप्शन खुल जाएगा, आप यहाँ से इनेबल इसे कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर ऑन करेंगे तो यहाँ पर OTG जो है इनेबल हो जाएगा और उसके बाद जो भी आप पेन ड्राइव को यूज करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी OTG को कनेक्ट करना चाहते हैं, वो OTG को आप बहुत ही आसानी से ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।